नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिंगरौली जिले में मनरेगा के अंतर्गत हो रहे कार्य पर बिना मास्क लगाकर मजदूर कार्य कर रहे हैं, नाबालिग भी कर रहे हैं मजदूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा योजना को तेज गति दी। योजना के तहत जिले के भी हर जनपदों में मनरेगा के तहत कार्य कराया जा रहा है, ताकि लॉकडाउन में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसके विपरीत सरकार की योजना में नाबालिगों के हाथ में फावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसने जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, मास्क का उपयोग भी लोग नहीं कर रहे हैं एवं मशीनों द्वारा काम कराया जा रहा है। जिनके हाथों में कॉपी किताब होने चाहिए, वह फावड़ा लेकर मजदूरी कर रहे हैं। श्रम विभाग के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। जिले के सरई तहसील अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में नाले एवं तालाबों की खुदाई का काम जॉब कार्डधारियों से लिया जा रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत ग्राम पंचायत दुधमनिया में सरपंच सचिव द्वारा जॉब कार्ड धारकों के साथ साथ 13 से 17 वर्ष के बीच के नाबालिग बच्चों से भी मनरेगा के तहत काम ले रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी और किताब होना चाहिए, उनके हाथों में फावड़ा थमा दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तालाब निर्माण का काम जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर द्वारा कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कविता। पूरा नाम बताइए। कहाँ के रहने वाली हैं आप? कितने दिनों से यहाँ काम कर रही हैं? 5 दिनों से। आपको काम में कौन लगाया है? सरपंच, सेक्रेटरी, सचिव कौन लगाए हैं? सरपंच लगाए हैं। और सचिव कभी आते हैं देख रेख के लिए? कब आए थे सचिव? ये आपका कहाँ के रहने वाली हैं आप? दुश्मनिया को। कितने दिनों से काम कर रही हैं आप यहाँ? आज बस आई हैं। आपको यहाँ काम करने के लिए कौन भेजा है? कोई नहीं। सरपंच सेक्रेटरी आए थे यहाँ काम पे आज देखने? सरपंच सेक्रेटरी आए थे यहाँ? कितने बजे आए थे? तुम्हारी उम्र कितने साल के हो तुम? 14 साल की हो। क्या नाम है आपका? रघुराज साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दुधमनिया ग्राम पंचायत। आप पंचायत में कोई पदाधिकारी हैं? मैं वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर हैं। ये जो चीज यहाँ पे किस चीज का निर्माण कार्य चल रहा है? ये तालाब निर्माण है। कब से चल रहा है ये? फरवरी माह से चालू था, बीच में पानी बारिश होने के बाद बंद हो गया था। जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, लोग बता रहे जेसीबी भी काम हुआ। जेसीबी कितने दिन लगी थी? जेसीबी सर इसका खुदाई का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया सर। जेसीबी ट्रैक्टर भी लगा हुआ है? ट्रैक्टर लगा हुआ है सर, मतलब दूर होने के नाते। आप अभी यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पे कितने नाबालिग बच्चे हैं? नाबालिग बच्चे 6 हैं। 6 हैं जी। और आप कभी देखने देखने आए हैं? वार्ड मेंबर है कि कितने नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं? नाबालिग बच्चे कल आया था, इनको मैं बताया था जो मतलब यहाँ है कि एक कौन मतलब है इनका नाम बताइए, कौन किसकी ड्यूटी लगी है? एटी कम लाल यादव हैं जी। तो उनको क्या बोले थे आप? मैंने बोला था कि नाबालिग बच्चों की यहाँ मत आने दीजिए, तो बोले कि कोई चला जाता है उसके बदले में चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं आने दीजिएगा, नाबालिग बच्चे 18 वर्ष से आयु कम होने वाले बच्चों को नहीं काम पे लगाया। सरपंच सचिव आते हैं यहाँ? यहाँ आते हैं सर, और देखते हैं कि नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं जी। देखते हुए भी कुछ नहीं करते सर भाई? आज सेक्रेटरी आए थे, सेक्रेटरी देखने के बाद भी इनको नहीं निकाले। अभी ये लोग रहे होंगे तभी तो इस टाइम आए हैं पुनः से। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।